मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड 2002 कोड में यूनिट नंबर 2, जो कि ऑप्टिक्स से संबंधित है, उसमें टॉपिक की बात कर रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एवं उसके उपयोग के बारे में हम बात करेंगे। इस लेक्चर में हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना कैसी होती है, उसकी कार्यविधि कैसी है, उसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, और साथ में हम उसके क्या यूजेस हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है हमारा, वह एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि निकट की वस्तुओं को, निकट की जो सूक्ष्म वस्तु है, जो पास रखी हुई छोटी वस्तु है, उसका आवर्धित प्रतिबिंब अर्थात मैग्निफाइड इमेज बनाती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच फॉर्म्स मैग्निफाइड इमेज ऑफ अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर टू द आई। यह सूक्ष्मदर्शी जो है, यह माइक्रोस्कोप जो है, वो दो लेंसेज के कॉम्बिनेशन से हमें प्राप्त होता है। इस माइक्रोस्कोप को जब हम बनाते हैं, तो इसमें दो लेंसेज कंबाइन हम करते हैं, जिससे जो छोटी से छोटी वस्तु है उसको स्पष्ट, क्लियर एवं आवर्धित मैग्निफाइड रूप में देखा जा सकता है। इससे पहले हम जो बात करते थे, वो सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते थे, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उनसे जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है, वह आभासी, वर्चुअल होता है, जो कि स्क्रीन पर, पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ऑब्टेन द इमेज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑन द स्क्रीन बिकॉज इट इज वर्चुअल। तो इसके लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, जो सरल सूक्ष्मदर्शी हमारा है, उसकी आवर्धन क्षमता, जो मैग्निफाइंग पावर है, उसकी एक हायर लिमिट, एक अपर लिमिट है, एक ऊपरी सीमा है, जिससे अधिक आवर्धन क्षमता हम सरल सूक्ष्मदर्शी से प्राप्त नहीं कर सकते। सामान्यतया हम ये कह सकते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो सरल सूक्ष्मदर्शी है, उससे जो प्राप्त मैग्निफाइंग पावर है, वो 10 या उससे अधिक नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति में अधिक आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए या हायर मैग्निफाइंग पावर प्राप्त करने के लिए हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी काम में लेना होगा। इसके अतिरिक्त सरल सूक्ष्मदर्शी से जब हम हाईली मैग्निफाइड इमेज प्राप्त करते हैं, तो उसमें कुछ डिस्टोर्शंस, कुछ डिफेक्ट्स भी डेवलप हो जाते हैं। तो इसलिए हम सरल सूक्ष्मदर्शी को एक निश्चित मैग्निफाइंग पावर अर्थात आवर्धन क्षमता से अधिक आवर्धन क्षमता के लिए काम में नहीं लेते हैं। ऐसी स्थिति में हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, जिसमें एक से अधिक अर्थात दो जो है लेंस काम में हम लेते हैं। ये देखिए आप, ये ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप जो कि प्रयोगशाला में आप काम में लेते हैं, लेबोरेटरी में काम में लेते हैं, इसका चित्र यहाँ पर आपको बताया गया है। ये पूरा इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, इसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, दो लेंस, जैसा मैंने बोला था कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो लेंस काम होंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस, जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ है ऑब्जेक्टिव लेंस, जो लेंस आई की तरफ है, हम यहां से देखेंगे इसको, तो ये आई पीस या आई लेंस। आई लेंस बोलते हैं तो एक ही लेंस होता है। आई पीस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लेंसेज यूज एज आई लेंस। देखिए, ये नोब जो है ये फोकसिंग के लिए है। देखिए, किसी भी पास में रखे ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपने रखे, उसको फोकस करना है, तो इसको आप काम में लेंगे। ठीक है, ये मेन स्केल है वर्टिकल वाली, और ये वर्नियर स्केल है वर्टिकल की। इसी प्रकार से ये देखिए आप, ये आपकी मेन स्केल है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों, ये वर्टिकल मेन स्केल, ये हॉरिजॉन्टल मेन स्केल, अर्थात ये क्षितिज मुख्य पैमाना है और ये ऊर्ध्व मुख्य पैमाना है। ये वर्नियर पैमाना है कौन सा, उर्दू के लिए, वर्टिकल के लिए, और ये आपका हॉरिजॉन्टल अर्थात क्षितिज के लिए वर्नियर पैमाना, वर्नियर स्केल होगी। ठीक है, यहां से आप, ये वाटर लेवल है फॉर लेवल द टेबल माइक्रो, टेबल माइक्रो उसको लेवल करना है, तो उसके लिए इसको काम में लेंगे। ये स्क्रू है फाइन हॉरिजॉन्टल पोजिशन को एडजस्ट करने के लिए, ये वर्टिकल पोजिशन को फाइन एडजस्टमेंट के लिए ये स्क्रू काम में लेंगे। इस प्रकार से ये मोटे तौर पर हमने आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप भी कहते हैं यहाँ पर, उसको जो अपन फिजिक्स लैब में काम में लेंगे, उसके बारे में अपन ने बात की है। ये देखिए आप,
ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रियल फिगर है, ठीक है। ये यहां से आप देखेंगे, आई यहां रखी जाएगी, हमारी जो आई है, हमारी जो आंख है वो यहां रखेंगे, ठीक है। यहां से हम देखेंगे ये आई लेंस, और इधर जो लेंस होगा ये ऑब्जेक्ट। यहां अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं इस पर, ये ऑब्जेक्टिव हुआ, तो ऑब्जेक्टिव और आई लेंस दोनों यहां पर आपको दिखाई दी। अब देखिए सही सूक्ष्म दर्शी की संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सही सूक्ष्म दर्शी में धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है, उस नली के एक सिरे पर कम फोकस दूरी अर्थात शॉर्टर फोकल लेंथ का एवं कम द्वारक अर्थात शॉर्टर एपरेचर का उत्तल लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसे ऑब्जेक्टिव लेंस या अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस मीन्स वह लेंस जो कि ऑब्जेक्ट के ज्यादा नजदीक है, ठीक है। जैसा मैंने कहा था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस काम में होंगे, जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होगा उसे ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, यह ऑब्जेक्टिव लेंस कम फोकस दूरी का होगा, शॉर्टर फोकल लेंथ का होगा, साथ ही शॉर्टर एपरेचर का भी होगा, ठीक है। और ये नली के एक सिरे पर लगा हुआ, दूसरे सिरे पर एक और नली लगी होगी, और उस नली के बाहरी सिरे पर कम फोकस दूरी का शॉर्टर फोकल लेंथ का लेकिन बड़े एपरेचर बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होगा, जिसे नेत्रिका लेंस ई कहते हैं, ठीक है। वापस से अपन अपनी उसमें जाए स्लाइड्स में, ये देख सकते हैं, ये यहां जो लेंस होगा ऑब्जेक्टिव, शॉर्टर फोकल लेंथ शॉर्टर एपरेचर, यहां जो लेंस होगा शॉर्टर फोकल लेंथ लेकिन लार्जर एपरेचर, और ये आई लेंस होगा, आईपीस कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस, ये देखिए, ठीक है। अब ये जो दोनों लेंस है वो दो अलग अलग नलियों पर लगे हुए, लेकिन ये दोनों नलियां जो है वो ड्रैग पिनियन अरेंजमेंट दंतुर दंड चक्र की सहायता से इनको आगे पीछे खिसका सकते हैं, अर्थात दोनों अलग अलग सिरों पर लगे हुए हैं लेकिन इनके मध्य की दूरी आप परिवर्तित कर सकते हैं रैक एंड पिनियन। जैसा कि अपने रैक होती है, रैक टेबल पर, तो रैक को अगर खोले तो लंबाई बढ़ जाती है और रैक को बंद करते हैं तो लंबाई कम हो जाती है, तो ये रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट यहां पर इस प्रकार का होगा। अब हम बात करते हैं रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये रे डायग्राम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, शॉर्टर फोकल लेंथ शॉर्टर एपर्चर, कम फोकल लेंथ का और कम द्वारक का, ये नेत्रिका आई लेंस, ये ज्यादा फोकल सॉरी ज्यादा एपर्चर का लेकिन फोकल लेंथ इसकी भी कम होगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है ए बी, जो कि हमने इस अभिदर्शक लेंस अर्थात ऑब्जेक्टिव से कहां रखा हुआ है, फोकल पॉइंट के आगे, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल पॉइंट है तो फोकल पॉइंट से आगे रखा है, तो ऐसी स्थिति में इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमको यहां पर मिलेगी। ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी रियल इमेज यहां पर हमें ए वन बी वन पर मिलेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि इस ऑब्जेक्ट को इस फोकस दूरी एफ वन से आगे रखा जाए अर्थात एफ वन और टू एफ वन के बीच में रखा जाए, तो यहां पर इसकी इमेज टू एफ वन के आगे बनेगी, और वह इमेज कैसी होगी, वह इमेज जो है वो मैग्निफाइड होगी अर्थात आवर्धित होगी लेकिन उल्टी और वास्तविक होगी। उल्टी है ये देखिए आप, और ये वास्तविक भी है। यहां अगर मैं स्क्रीन लगा दूं तो ये इमेज यहां पर मुझे मिल जाएगी, ठीक है। ये रे ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट अर्थात अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर रही, ये ऑप्टिक सेंटर से पास हो रही है, सीधी जा रही है, दोनों रे यहां मिल रही है, यहां इसकी इमेज बन जाएगी, ये ए वन बी वन अर्थात अभिदर्शक लेंस ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज ए वन बी वन पर बना रहा है, और यह इमेज वास्तविक है, रियल है, उल्टी है, इन्वर्टेड है लेकिन मैग्निफाइड है, आवर्धित है। अब ये जो इमेज है ए वन बी वन, ये नेत्रिका अर्थात आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ए वन बी वन जो है, जो कि अभिदर्शक से ऑब्जेक्ट की इमेज बनी थी, यह इमेज अब आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये आई लेंस जो है हमारा, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा अर्थात सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करेगा। इससे तो मैग्निफिकेशन हुआ ही है, इससे भी और मैग्निफिकेशन हो जाएगा, तो यहां पर हमें बहुत ही अधिक आवर्धन क्षमता प्राप्त हो जाएगी। अब यहां पर ये देखिए, ये आई लेंस, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए, इसकी ये कहां पर हो गया ऑब्जेक्ट, इस आई लेंस के ऑप्टिक सेंटर एंड फोकल पॉइंट के बीच में हो गया,
तो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज हमें मिलेगी। तो ये यहां पर आप देख सकते हैं, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज हम यहां पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहां पर वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अभिदर्शक लेंस ने मैग्निफाइड इमेज प्राप्त की और नेत्रिका भी मैग्निफाइड इमेज आपको दे रही है। तो इस प्रकार से डबल मैग्निफिकेशन यहां पर होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप की तुलना में अधिक मैग्निफाइंग पावर आपको यहां पर मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम रे डायग्राम जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ले सकते हैं। ये देखिए आप, सही सूर्य के अभिदृश्यक लेंस की सहायता से अत्यधिक सूक्ष्म वस्तु ए बी का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब ए वन बी वन पर बनता है। ये ए वन बी वन जो है यह नेत्रिका के लिए आई लेंस के लिए बिंब अर्थात ऑब्जेक्ट का काम करता है और यह नेत्रिका लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति व्यवहार करती है। इसकी सहायता से इस प्रतिबिंब ए वन बी वन का आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब जो है वो हम ए टू बी टू पर बनाते हैं। ए टू बी टू के रूप में यहाँ पर मिल रहा है और यह प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है आप देखेंगे, डी दूरी अर्थात स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी है मानव आंख के लिए उस पर यहाँ पर बन रहा है। तो इस प्रकार से ये हमने यहाँ पर प्रतिबिंब निर्माण की बात इसकी की है। अब इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्म दृष्टि की आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए। संयुक्त सूक्ष्म दृष्टि की आवर्धन क्षमता जो है वो क्या होगी, अंतिम प्रतिबिंब ए टू बी टू द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण विजुअल एंगल बीटा एवं अब वस्तु के द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण विजुअल एंगल एल्फा के अनुपात के तुल्य होती है। एम बराबर बीटा अपॉन एफ। बीटा क्या है, अंतिम प्रतिबिंब फाइनल इमेज के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। एल्फा क्या है, ऑब्जेक्ट अर्थात वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण कब, जबकि वस्तु कहाँ रखी हुई हो, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कैपिटल डी पर रखी हुई हो। तो इन दोनों का अनुपात जो एंगल से इनका रेशियो जो है वह आपके लिए क्या होगा, एम अर्थात संयुक्त सूक्ष्म दृष्टि की आवर्धन क्षमता होगी। एम बराबर होगा बीटा बाय एल्फा, क्योंकि वस्तु बहुत छोटी है ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है इसलिए एल्फा और बीटा जो एंगल है वह भी बहुत छोटे होंगे और जब एल्फा और बीटा छोटे होंगे तो एल्फा की वैल्यू नियरली टेंजेंट एल्फा होगी और बीटा की वैल्यू नियरली टेंजेंट बीटा होगी। तो यहां पर ये बीटा अपॉन एल्फा की जगह हम क्या लिख देंगे, टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट एल्फा। इस प्रकार से ये फॉर्मूला आ जाएगा एम बराबर टेन बीटा बाई टेन एल्फा। जो रे डायग्राम है उसकी सहायता से टेन बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी टेन बीटा जो है वो आपके पास इस प्रकार से आ जाएगा, टेन बीटा बाई टेन एल्फा ए टू बी टू बाई ए बी। किस प्रकार से, टेंजेंट बीटा क्या होगा ए टू बी टू बाई डी, टेंजेंट एल्फा क्या होगा ए बी बाई डी। तो ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर मिलेगा एम बराबर ए टू बी टू बाई ए बी। लेकिन इसको इस फॉर्म में अपन लिख रहे हैं ए टू बी टू बाई ए वन बी वन ए वन बी वन बाई ए बी। ये ए वन बी वन से ए वन बी वन कैंसिल हो जाएगा तो अगेन वापस ये चीज आ जाती है। लेकिन ए टू बी टू बाई ए वन बी वन क्या है, देखिए ए वन बी वन आई लेंस के लिए हमारी मैग्निफाइंग सॉरी ऑब्जेक्ट था और ए टू बी टू उससे प्राप्त इमेज। तो ये जो क्वांटिटी है ए टू बी टू बाई ए वन बी वन ये एम ई हो जाएगी अर्थात आई लेंस की मैग्निफाइंग पावर हो जाएगी। और ए वन बी वन बाई ए बी, ए वन बी वन इमेज फॉर्म बाई ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के द्वारा बनी गई इमेज की साइज है ये ए वन बी वन और ये ऑब्जेक्ट की साइज है। तो ए वन बी वन बाई ए बी ये हो जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफाइंग पावर। तो इसको अपन एमओ लिख दे और इसको एम ई लिख दिया तो ये एम बराबर हो जाएगा एमओ इंटू एम ई और एमओ की वैल्यू होती है वीओ बाई यूओ और एम ई की वैल्यू होती है डी बाई यू ई।
वी कैन डेराइव दिस फॉर्मूला, बट डेरिवेशन आपको इतना आगे नहीं करना है। सीधा ये याद रखेंगे कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव वी ओ बाई यू, वी ओ क्या है इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, यू ओ क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, डी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यू ई इमेज डिस्टेंस सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस, यू ई इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस, अर्थात बिंब की दूरी है किसके लिए आई लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए। और जो चित्र मैंने पहले बताया था आपको किरण चित्र, उसमें ये चीज आपको दी हुई है, ये देखिए आप ये सब चीजें यहां पर बताई गई है। ये वीओ, ये इमेज बनी ऑब्जेक्टिव से, तो ये वीओ, ये यूओ, ये ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्टिव से डिस्टेंस यू, ठीक है, ये आपके पास यूई है इमेज डिस्टेंस फॉर सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस, और ये आपकी कैपिटल डी, ये आपकी इमेज डिस्टेंस हो जाएगी किसके लिए आई लेंस के लिए। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें यहां पर आपको चित्र में बताई भी गई है। तो इस प्रकार से मैग्नीफाइंग पावर के लिए फॉर्मूला रहेगा, जनरल फॉर्मूला रहेगा वीओ अपॉन यूओ इंटू डी बाई यूई। वीओ अगेन रिपीट कर रहा हूं, इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, अर्थात ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अभिदर्शक लेंस के लिए इमेज की दूरी अर्थात प्रतिबिंब की दूरी, यूओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव अर्थात जो ऑब्जेक्टिव लेंस अर्थात अभिदर्शक लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट अर्थात बिंब की दूरी, डी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है जो सामान्यतया मानव आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होती है, यूई जो है वो हो जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस अर्थात नेत्रिका के लिए जो बिंब है उसकी दूरी। तो इस प्रकार से ये कॉमन फॉर्मूला होगा, लेकिन अगर प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डी पर बन रहा है तो डी बाई यूई का मान 1 प्लस डी बाई एफ ई होता है। तो यहां हम यह कह सकते हैं कि यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता एम बराबर हो जाएगी वीओ अपन यूओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता रहेगी एम बराबर वीओ बाई यू इंटू डी बाई एफ ई। और यहां दोनों से आप स्पष्ट देख सकते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर कब ज्यादा होगी, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डी पर बनेगा। तो इस प्रकार से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के बारे में हम बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के उपयोग। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को पैथोलॉजी लैब में रोगों के निदान के लिए अर्थात डायग्नोसिस के लिए काम में लिया जाता है। जो जो हमारी लैब्स है उनमें कई तरह के डिजीजेस की डायग्नोसिस के लिए हम इसको काम में लेते हैं, ठीक है, जैसे आपकी ब्लड सेल्स हैं उनको अगर पूरा अच्छा तरह से देखना है मैग्नीफाइड फॉर्म में देखना है तो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप काम में लेंगे। फॉरेंसिक लैब्स जो होती है हमारी, फॉरेंसिक प्रयोगशाला जो होती है वहां पर कई बड़े बड़े अपराधों के केसेस को हल करने के लिए उसको उपयोग में लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, ठीक है, कहीं से सैंपल लिया अपराध की जगह से फिर उसको मैग्नीफाइड करके देखा तो ये फॉरेंसिक लैब में इसका उपयोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से आप कर सकते हैं। खनिजों के परीक्षण, उनमें धातुओं की उपस्थिति का पता लगाना हो तो उसके लिए भी इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप को काम में लेते हैं। बैक्टीरिया वायरस की खोज, अलग अलग बैक्टीरिया वायरस जो कि बहुत छोटे होते हैं तो उनको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप काम में लेते हैं, अर्थात बैक्टीरिया वायरस की खोज और उनकी फर्दर आगे जो स्टडीज है उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप उपयोगी है। स्कूल और कॉलेजेस में जो हमारे लेबोरेटरीज हैं उनमें हम स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करते हैं, प्रायोगिक अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत ही उपयोगी है। और साथ में जो रिसर्च एरिया है हमारा उसमें भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप उपयोगी होता है। पेड़ पौधे जो होते हैं हमारे, उनके विभिन्न भागों के अध्ययन में, क्योंकि पेड़ पौधे में जहाँ पोर्शन बहुत छोटा है, लीव्स है या जो तना है, ठीक है, या रूट्स है, उनको मैग्नीफाइड फॉर्म में देखना है तो उसके लिए भी आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वी कैन यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन वेरियस फील्ड्स ऑफ अवर डेली लाइफ, ठीक है, स्पेशली डायग्नोसिस पर्पस से, केसेस को जो अपराधों के केसेस हैं उनको हल करने के लिए, बैक्टीरिया वायरस की खोज उनके स्टडीज में और लेबोरेटरीज में स्टूडेंट्स के लिए और रिसर्च पर्पस से। तो इस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी के कई सारे उपयोग यहाँ पर हमने डिस्क्राइब किए। इस प्रकार से आज हमारा ये लेक्चर यहाँ पर पूर्ण होता है।
थैंक यू, धन्यवाद।